Hello everybody, this is Melinda, life coach in the field of personal and spiritual growth. Friends, last video में मैंने बात की थी कि कैसे हमें जो chronic diseases हो जाती है, कौन से steps है, first step, second stage, third stage and fourth stage is our chronic diseases. तो आज का topic है कि अगर हमें chronic disease कोई हो गई है already और बहुत समय से कुछ ऐसा हो गया है जो काफी लंबे समय से चला रहा है, तभी हम उसको क्रॉनिक बोलते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम मेडिसिन के साथ साथ ऐसा क्या करें कि हम अपनी उस बॉडी पार्ट को हील कर सके, अपनी उस क्रॉनिक डिजीज को से राहत दे सके अपने आप को. जैसा कि मैंने अपने पहले कई वीडियोस में कहा कि माइंड और बॉडी का निटेड रिलेशनशिप है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है. माइंड में कुछ बहुत समय से चल रहा है, उसका बॉडी पे अफेक्ट होगा, और बॉडी पे कुछ है तो माइंड पे भी उसका अफेक्ट होगा. बॉडी में जो चल रहा है वो डिजीज ओवरनाइट नहीं आई. हमारी माइंड में कुछ बहुत देर से कुछ ब्लॉक्स थे, ऐसे इमोशनल ब्लॉक्स, सोशल ब्लॉक्स, मेंटल ब्लॉक्स, और हमने उन ब्लॉक्स को रिजॉल्व नहीं किया, उससे हमें फिजिकल डिजीज आई. हमने फिजिकल लेवल पे कुछ गलतियां की अपने खान पीन में, अपने लाइफस्टाइल में, तो हमें वो फिजिकल प्रॉब्लम्स आई. तो पहले मैं आपको मेजर मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बताती हूँ. आज हम स्पिरिचुअल पार्ट की बात कर रहे हैं, मेडिसिन की बात नहीं कर रहे, कि कैसे हम अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से, कैसे हम अपने माइंड से, एफर्मेशन से अपने आप को हील करने की कोशिश कर सकते हैं और कर भी सकते हैं अगर हमें वो टेक्निक्स सही में यूज करनी आती है. तो जैसे हमें थायराइड है, तो स्पिरिचुअल जो लैंग्वेज है इसमें कहा जाता है कि अगर हम अपनी आपको एक्सप्रेस नहीं किया लॉन्ग लॉन्ग टाइम से, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया, तो हमें चांसेस है कि थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है. हमारा लाइफस्टाइल एंड फूड इज अनदर साइड, लेकिन दिस इज स्पिरिचुअल साइड. अगर हमें हमारे दिल में दूसरों के लिए दया नहीं है, दूसरों के लिए प्यार नहीं है, हमारा हार्ट अगर ब्लॉक्ड है, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, तो हमें हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है. अगर हमें ओवर थिंकिंग है तो हमें मेंटल इश्यूज हो सकते हैं. हमारे माइंड में हमेशा बर्डन है, हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो मेंटल प्रॉब्लम्स. इफ we are keeping or holding the things, the old things, constipation is the result uska. Agar hum bahut sensitive hai, hamari nature bahut sensitive hai, to hame allergies develop ho sakti hai. Again, agar hum emotionally upset rehte hai hamesha, to hame headache ho sakti hai. अगर हमें गिल्ट वाली फीलिंग है, विक्टिम फीलिंग है, गिल्ट फीलिंग है, और हमने उस गिल्ट को रिजॉल्व नहीं किया, वी कैन हैव कैंसर. अगर हमें फीलिंग है कि हमें हमेशा ही हमारे ऊपर कोई बर्डन है, हम कोई बोझा उठाए जा रहे हैं, तो हमें बैक पेन्स हो सकती है. पेन्स का जो रिलेशनशिप है, इसका रिलेशनशिप हमारा जो थिंकिंग के साथ भी है. हमें कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हमारी लाइफ में, चाइल्डहुड ट्रॉमास, और किसी ने हमें कुछ कहा और हम उसको होल्ड किए बैठे हैं, जैसे हम बर्डन उठाए बैठे हैं. अगर हम बहुत सारा बर्डन अपने सिर पर उठाए और चलते रहें तो ऑब्वियसली हमें बैक पेन होगा. सो इमोशनल लेवल पे भी अगर हमें कोई इमोशंस का बर्डन उठाए बैठे हैं तो हमें बैक पेन हो सकता है. इसके अलावा एक बुक है लुईस हे की, मुझे उसके वो बुक बहुत पसंद है. उस बुक का नाम है हील योर बॉडी, हील योर सेल्फ आई गेस. तो उसमें बहुत लंबी लिस्ट है कि कौन से इमोशनल ब्लॉक से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है.
आप उस बुक को गूगल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस बुक को वो आपको पिक्चर बता दूंगी और उसका रेफरेंस दे दूंगी, तो आप उस बुक में जाकर डिटेल में जा सकते हैं और फिर अपने वो एक्सरसाइजेस करके अपने आप को हील कर सकते हैं। तो अगर हमें ये वाली प्रॉब्लम हो गई है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, तो हमें पता है स्पिरिचुअल लेवल्स पे कि हमें जो हमारा जो हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक्ड है, हमें कमी है दूसरों के प्रति प्यार में, उनके प्रति एम्पथी, उनके प्रति काइंडनेस, हम सेल्फिश हैं, वी कैन हैव ए हार्ट इश्यूज। तो जब हम ट्रीट करने की बात आती है तो आवर बॉडी पार्ट्स दे आर लाइक ए चाइल्ड जिनको अटेंशन चाहिए। किसी भी बॉडी पार्ट को जब हम अटेंशन नहीं देते, अनअटेंडेंट है, तो वो बॉडी पार्ट, बिकॉज हमारी बॉडी पार्ट में जो सेल्स हैं उनमें मेमोरीज है, हर सेल की मेमोरीज है, तो वो इग्नोर हो जाते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स, तो उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, इग्नोर कीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी बॉडी पार्ट पे कोई अटेंशन ना देंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आपने अपना जो थिंकिंग पार्ट है उसको इग्नोर कर दिया और आप सोचते चले जा रहे हैं, सोचते चले जा रहे हैं, तो अपने ब्रेन पे आप बर्डन डाल रहे हैं। अवर बॉडी पार्ट्स आर लाइक अवर चाइल्ड, दे नीड अटेंशन, दे नीड लव। सो इन स्पिरिचुअलिज्म अगर हम अपने बॉडी पार्ट को लव मैसेज भेजते हैं तो हमारा बॉडी पार्ट के जो सेल्स है वो मेमोराइज करते हैं, उनको पता चलता है कि उनको अटेंशन मिल रही है, उनको वो वाइब्रेशंस मिलती है, एंड दे स्टार्ट हीलिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल बैक पेन है तो आप अपनी सारी अटेंशन अपनी बैक पे ले जाए, जिस भी बॉडी बैक में जिस पार्ट पे भी आपको पेन है तो आप अपनी सारी अटेंशन इधर उधर से हटाकर उस पार्ट पर लेकर आप एफर्मेशन दीजिए अपने आप को कि मेरा वो बॉडी पार्ट ठीक हो रहा है। पूरे ट्रस्ट के साथ एफर्मेशन दीजिए, अगर आप में ट्रस्ट नहीं है, आप ऐसे ही दे रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, उसमें पावर है चीजों को चेंज करने की, अगर हमें उस पर यकीन है। तो आप उसको लव एफर्मेशन दे सकते हैं, सेल्फ लव, ठीक होने की एफर्मेशन दे सकते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूं। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरी पेन चली गई है, हम कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगेन मेडिटेशन सभी प्रॉब्लम का सलूशन है, तो आप आंखें बंद करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप फोकस कर सकते हैं उस बॉडी पार्ट पे और आप फील कीजिए कि आपका वो बॉडी पार्ट बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। एक और एक्सरसाइज है कि आप इमेजिन करें कि गोल्डन लाइट फ्रॉम द नेचर, एक गोल्डन लाइट आपके अंदर जा रही है आपकी बॉडी में और आपके सभी ऑर्गन्स को हील कर रही है। मैंने करके देखा इस एक्सरसाइज को, तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत लाइट फील होता है। सो ट्राई दिस एक्सरसाइज के आप आंखें बंद करके जस्ट इमेजिन फ्रॉम योर क्राउन चक्रा एक गोल्डन लाइट आपकी पूरी बॉडी में अंदर जा रही है और आपके हर ऑर्गन को वो ठीक कर रही है। स्पेशली जिस ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम है, आप इमेजिन कीजिए कि वो गोल्डन लाइट उस ऑर्गन को पूरी तरह से हील कर रही है। इमोशनल ब्लॉक्स पे काम करना बहुत जरूरी है। अगेन आप कितना भी इमेजिन कर लें, अगर आपने अपने इमोशनल ब्लॉक्स को रिजॉल्व नहीं किया तो बहुत डिफिकल्ट है उन चीजों को हील करना। तो इमोशनल ब्लॉक्स को हम कैसे रेकोगनाइज करें ताकि उनको हील कर सके, हमें उस लिस्ट में जाना पड़ेगा
कौन से इमोशनल ब्लॉक से कौन सी प्रॉब्लम होती है, और कौन सी प्रॉब्लम है तो कौन सा इमोशनल ब्लॉक उसके साथ रिलेटेड है, हमें उसकी तह तक जाना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ एफर्मेशन देते जा रहे हैं और हमें कुछ भी पता नहीं है कि उसका रीजन क्या है, उस ब्लॉकेज का रीजन क्या है और उस सिम्टम्स का रीजन क्या है, उस प्रॉब्लम का रीजन क्या है, तो वो एफर्मेशन काम नहीं करने वाली। सो दैट्स व्हाई इन स्पिरिचुअलिज्म जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि किसी की प्रॉब्लम जो है उसकी जो उसके पीछे कौन सा इमोशंस है हमें उस पर जाना पड़ेगा। तो इमोशनल ब्लॉक को हील करने पर मेरा एक वीडियो था पहले, आप यूट्यूब पे और भी बहुत सारे वीडियो है कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं अपने इमोशनल ब्लॉक सॉल्व करके। राइटिंग उसमें एक मेथड है, आप लिख सकते हैं आप जो फील कर रहे हैं, जो सैडनेस है, जो डिप्रेशन है, जो भी प्रॉब्लम है, आप उसको लिख कर सरेंडर टू गॉड ऐसा कर सकते हैं। फाइव एलिमेंट्स को बैलेंस करना, मैंने पांच वीडियो बनाए थे फाइव एलिमेंट्स में, अगर हमारे पांचों एलिमेंट्स बैलेंस्ड है तो हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सो हमें वर्क करना पड़ेगा अपने फाइव एलिमेंट्स को बैलेंस करने में। चक्र एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सेल्फ लव एक्सरसाइज, योगा, अवर फूड, अवर थॉट्स, इन सभी पे हमें काम करना पड़ेगा अगर हम अपनी क्रॉनिक प्रॉब्लम को हील करना चाहते हैं। तो कोई और मेथड मेंटल ब्लॉक्स के बिना, तो बीइंग माइंडफुल, मैंने नोट्स बनाए ताकि कोई चीज मिस ना हो, हमें माइंडफुल वाली एक्सरसाइज मेडिटेशन वो हमें बहुत हेल्प करती है हमारा जो क्रॉनिक डिजीजेस है उनको हील करने में। नेचुरल डाइट, आयुर्वेदा का जो सिद्धांत है उनको जानकर कुछ जड़ी बूटियां हर्ब्स लेकर हम अपनी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का पता है तो आप गूगल कर सकते हैं कि कौन से आपको हर्ब्स लेने चाहिए। अगेन मेंटल ब्लॉक के लिए आप अगेन इंडेक्स जो आपका फिंगर है उसके और मिडिल फिंगर के बीच ये जो स्पॉट है आप अपना थंब से उसको अगर प्रेस करेंगे तो ये नर्व का जो रिलेशनशिप है हमारे ब्रेन के साथ है, तो इसके इससे हमें हमने जो हमारी थॉट्स है उसमें थोड़ी राहत मिलेगी, हमें थोड़ा रिलैक्स फील होगा। और आप मिडिल में भी अगर प्रेस करते हैं तो इससे भी हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो स्लो होगा, हमें थोड़ा लाइट फील होगा। अकुपंक्चर इज द अनदर मेथड जिससे वो बॉडी ऑर्गन जिससे हमें प्रॉब्लम है जब हम अकुपंक्चर करते हैं तो हम उसके जो सेल्स है उसको स्टिमुलेट करते हैं, तो आप वो थेरेपी भी करवा सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके टेक्निक्स हैं लेकिन दीज आर द मेन टेक्निक्स, जो मेन मेजर मेजर टेक्निक्स मैंने आपके साथ शेयर की, आप करके देखिए और फिर बताइए कि आपको कितना फायदा हुआ, फायदा होता है क्योंकि हमारे पास एविडेंस है। अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारा एविडेंस आपको मिलेगा कि लोग इन थेरेपी को यूज करके ठीक होते हैं। अगर अगेन आपके पास कोई दूसरा टेक्निक है जो आप शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ और दूसरे व्यूअर्स के साथ, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगता है प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपको हेल्पफुल टिप्स दे रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड हिप्नोटिज्म। थैंक यू सो मच।